Good morning, dear students. So today we will start a new chapter, 7th, Animals Around Us. So in this chapter, we are going to read about various types of animals. Yes, के कौन कौन से टाइप के एनिमल्स होते हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, कौन से स्पीशीज होते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Animals are living beings that we see all around us. So just like our human beings, जैसे हम living beings हैं, इसी तरह से animals भी living beings हैं, सजीव हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं. Unlike plants, they can move around. Now plants are also living beings. But plants तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. But unlike plants, they can move around. वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. There are many different kinds of animals. Animals की बहुत अलग अलग किस्में होती हैं. Some are big, कुछ बड़े animals होते हैं like lion, elephant, giraffe. Some are small, like rat, rabbit, squirrel. And some are too small to be seen with the human eye. और कई animals बहुत छोटे, बहुत minute होते हैं जिनको हम naked eye के साथ नहीं देख सकते, like bacteria, वायरस, जिनको हम कई बार जर्म्स भी कहते हैं, राइट? आजकल आपने सुना होगा कोरोना वायरस जो है बहुत फैला हुआ है. क्या हम कोरोना को अपनी नेक डाई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, राइट? सो दीज आर वेरी स्मॉल एनिमल्स. सो नॉट ओनली दिस, एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज मे ऑल्सो डिफर इन साइज. स्पीशीज मीन्स पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर ग्रुप. एक पर्टिकुलर किस्म के या टाइप के जो एनिमल्स हैं वो भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम डॉग्स आर बिग एंड सम डॉग्स आर स्मॉल. आपने देखा होगा कि कुछ डॉग्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और कुछ डॉग्स जो है वो बहुत बड़े साइज के होते हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट द इंटरेस्टिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. Animals can be divided into different types based on their behavior. Animals को बच्चों हम अलग अलग types में divide कर सकते हैं depending on उनका behavior कैसा है. The places where they live and depending upon कि वो कौन से place कहाँ पे रहते हैं वो. और third is and their feeding habits, कि उनकी feeding habits क्या है, उनकी खान पान की रुचि क्या है. सो फर्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन बिहेवियर. सबसे पहले उनके बिहेवियर के बेसिस पे कि एनिमल्स किन किन तरह के होते हैं. फर्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स. सो व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स? एनिमल्स दैट आर फ्रेंडली एंड आर केयर्ड फॉर बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. सो डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनका बहुत फ्रेंडली नेचर होता है, जो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं और ह्यूमंस उनको अपने साथ रख सकते हैं और उनको उनकी केयर कर सकते हैं, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. वी कैन कीप दीज एनिमल्स एंड दे आर यूजफुल टू अस. हम उन एनिमल्स को अपने साथ रख सकते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं. काओ, गोट एंड शीप आर डोमेस्टिक एनिमल्स. कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं? काओ, गोट एंड शीप. आई एम श्योर कि आप सब में से किसी ना किसी घर, किसी की ना किसी के पास जो है घर में कोई ना कोई एनिमल ज़रूर होगा. दे गिव अस मिल्क एंड वूल. सो काओ जो है उससे हमें मिल्क मिलता है, शीप जो है वो हमें वूल देती है, गोट से भी हमें मिल्क मिलता है. सिमिलरली कैमल, हॉर्स, डोंकी एंड एलिफेंट कैरी आर लोड एंड आर डोमेस्टिकेटेड बाय अस. सो इन सब के अलावा और कौन कौन से एनिमल्स हम रखते हैं? कैमल, हॉर्स, डोंकी एंड एलिफेंट. इन सब का क्या काम है? ये लोड्स कैरी कर सकते हैं और हम इनको अपने साथ रख सकते हैं. हेन एंड डक आर ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल्स. कई लोग जो है मुर्गियाँ और बत्तखें भी रखते हैं. दे गिव अस एग्स एंड मीट. इनसे हमें क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं और मीट मिलता है. Some animals like dogs and cats are kept at home by human beings. अब कई लोग जो है dogs और cats भी अपने पास रखते हैं. They are called pet animals. उनको हम pet animals कहते हैं. So first was the domestic animals, घरेलू जानवर, right? Next is wild animals, जिनको हम जंगली जानवर भी कहते हैं.
सो दीज आर एनिमल्स दैट आर अनफ्रेंडली टू ह्यूमंस. अब ये वो एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस के साथ इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं. दीज आर लाइक टाइगर, लायन, फॉक्स, जीब्रा एंड जिराफ. सो ये वो एनिमल्स हैं आमतौर पे जो जंगलों में पाए जाते हैं. दे लिव इन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहते हैं एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और वो अपना ध्यान खुद रखते हैं. ह्यूमंस उनका ध्यान नहीं रखते, वो अपना ध्यान खुद रखते हैं. दे लिव इन फॉरेस्ट एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. डियर, जैकॉल, राइनोसॉर्स, हिप्पो एंड बियर आर ऑल्सो वाइल्ड एनिमल्स. इनके अलावा और कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं? डियर, जैकॉल, राइनोसॉर्स, हिप्पो एंड बियर. सो वी मस्ट नोट दैट ऑल्दो सम वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन द जू, दे आर नॉट डोमेस्टिक एनिमल्स. आई एम श्योर आप में से कुछ बच्चे कभी जू भी गए होंगे जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे जो पिंजरे में बंद होते हैं, राइट? लेकिन वो डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं होते, वो वाइल्ड एनिमल्स ही होते हैं.